कंगना रनौत का जो चल रहा है, आप कैसे देखते हो? आप उसका समर्थन करते हो जो मुंबई में जो चल रहा है? इसका देखो, इसका तो एक पॉलिटिकल है, इस पर ना तो हम ये बोलेंगे कि भी बहुत बढ़िया काम किया उसने, और ना हम ये बोलेंगे कि भी मतलब यू नो कि अगर आज के डेट पे अगर कुछ भी बोलो तो उसका ना गलत मीनिंग निकालते हैं। अगर देखो ना, सात रात दिन पे मैंने पोस्ट भी किया है और मतलब बड़ी सपोर्ट, बड़ा सहयोग मिला है उसके इस इशू पे, क्योंकि सुशांत राजपूत को एक इंसान मिलना चाहिए, और जो मतलब उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पे मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, तो सही नहीं है। अगर उनने मुद्दे उठाने हैं तो किसानों के उठाओ, और जो मतलब किसान सुसाइड कर रहा है उनके बारे में कोई नहीं पूछता, और नौजवान बेरोजगार है उनके बारे में कोई नहीं बात करता, और कोरोना से इतने मतलब लोग हॉस्पिटल में जागे नहीं, इस टाइम स्कूलों पे रह रहे, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता आपको है, उसके बारे कोई नहीं पूछता। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई सुशांत राजपूत जैसे और नहीं डेथ होए, जो मर गया वो चाहे सुसाइड किया उसने, चाहे कुछ भी हुआ, वो मर गया है मतलब, है ना, बहुत अफसोस है, सबको अफसोस है। अब उसको उछालना, जो लोग किसान मर रहे उनके बारे कोई नहीं पूछता, जो लोग हॉस्पिटल में मर रहे उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही उनका कोई नहीं पूछता, जिनके पास रोजगार नहीं है, नशा करते है, आज बोलते हैं कि भाई नशा ना करो, अब बॉलीवुड नशे पे डूब गया, ये हो गया वो हो गया। देखो यार, पता क्या है, हम मतलब मेन चीज नहीं पकड़ते भी नशा क्यों करते हैं लोग। पंजाब पे नशा थोड़ा है क्या? हरियाणा पे थोड़ा है क्या? हिमाचल पे थोड़ा है क्या? पूरे हिंदुस्तान पे नशा है क्यों है? सवाल उठता है क्यों है? इनको लगता है कि भी अगर सुशांत राजपूत, अगर कोई मतलब सेलिब्रिटी की किसी की डेथ होती है तो मतलब एक सिर पे उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ आम इंसान, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो चाहे आम इंसान हो, जान सबको मतलब सबको प्यारी होती है अपनी, अपना बेटा सबको प्यारा होता है, चाहे वो हो मूवी स्टार, चाहे वो हो चाहे एक किसान। जो हमारे मतलब एक हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है ना, उसके बारे कोई नहीं पूछता, आर्मी का इशू वो कोई नहीं उठाता, तो मतलब ये बहुत सारी पॉलिटिकल ये है, मैं तो इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं आपने बॉलीवुड में काम किया है, वो काम कर रहे हो, आपको लगता है कि वास्तव में वहाँ पर ड्रग्स पार्टियाँ होती हैं, कैसे जज करते हैं? देखो इन्होंने ना इशू बनाया है, मतलब इशू बनाया है, बोलते कि भी इतना मतलब ड्रग्स, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ये सब मीडिया पे बैठ के मतलब टीवी पे एक दूसरे से मतलब गाली गलौज करते अपने, और सुशांत की किसी को परवाह नहीं है, वो मर गया वो उस पर कोई ये नहीं है, ड्रग्स बोलते भी उसने ड्रग्स खाई मतलब, है ना। सो मैं कहता हूँ कि भाई ड्रग्स हर जगह, मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड पे भी है, बॉलीवुड पे भी है, और किसान पे भी है, और कोई एक कोई चाहे सर्विस वाला है, ये आज बोलते हैं कि भाई उसका टेस्ट करो, कितना रोड़ा उठा रहे हैं ना। मैं बोलता हूँ सबसे पहले लीडरों का टेस्ट करो, कौन सा बंदा है जो मतलब ये ड्रग्स नहीं खाता, मतलब शाम को हर रोज दारू पीते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने हवा बनाया है कि भाई वो बहुत उछाल, मैं वो शब्द भी बोलना नहीं चाहता, इतना उछालते हैं बिना मतलब का, अगर इतना ड्रग्स खाते तो उनकी बॉडी फिट होनी थी क्या?